हेलो गाइस, वेलकम टू विशा व्लॉग। हम लोग 3-4 दिन से अपना कोई व्लॉग अपडेट नहीं कर रहे हैं। उसके पीछे कोई रीज़न है जो कि हम अभी नहीं डिस्क्लोज कर सकते। और आज कुछ था जो हमें लगा कि हम व्लॉग तो नहीं अपडेट करें, बट हमें लगा कि हमें अपने सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर करना चाहिए था। तो हमने एक छोटा सा मतलब ये जो है वीडियो क्लिप बनाया है और इसको हम आज अपडेट करेंगे। बिकॉज आज है हमारी एनिवर्सरी, 3rd वेडिंग एनिवर्सरी। और इस साल हमारे साथ आलू भी है। और ज़रूरी नहीं होता कि हर बार आप अपनी खुशी को ना मतलब एक बड़े लेवल पे जाके सेलिब्रेट करो या कोई शो ऑफ करो। अगर मतलब एनिवर्सरी है और अगर आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ है तो मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है। क्योंकि मतलब सिंपल इतना ही है कि साथ रहो, खुश रहो, ठीक है। जहाँ पर भी हो साथ रहो, खुश रहो और हर लाइफ के मोमेंट में ना मतलब एक दूसरे का साथ दो, साथ हो, खुश रहने की कोशिश करो बस, ठीक है। जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ कि मतलब मेरा ना कहीं बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा है। मैं भी यार, लोग कहते हैं यार बेबी आने के बाद ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, बट यार वो सच नहीं होता। सच ही होता है कि आप लोग ना टायर्ड मतलब टायर्ड फील करते हो, जो जो रीज़न रहता है। अदरवाइज बेबी कोई रीज़न नहीं है कि बेबी आपको कहीं जाने नहीं दे रहे हैं। जो आपका बेबी होता है ना वो खुशियाँ लेकर आता है आपकी लाइफ में। तो हमारा बेबी भी खुशियाँ लेकर आया है। और अगर हम नहीं किसी को टाइम दे पा रहे हैं तो उसके लिए सॉरी, बट हमें उसके साथ टाइम स्पेंड करना अब पहले से ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। पहले हमारे पास रीज़न्स नहीं होते थे, ठीक है, और अब हमारे पास एक प्यारा सा रीज़न है। मतलब पता नहीं, होप है वो यार हमारे लिए, पता नहीं क्या। पहले ऐसा फील नहीं होता था जैसा आज की डेट में हम फील करते हैं आलू के साथ। तो ही इज़ एवरी थिंग फॉर बोथ ऑफ अस, ठीक है। आइए काटते हैं केक। काटते नहीं, खाते हैं यार केक। खाते हैं ख़त्म कर देते हैं, पूरा फोड़ देते हैं। कहीं जाओ, मैं दिखाऊँ। ओपन द केक। पेस्ट्री, पेस्ट्री नहीं है, मेरे हस्बैंड का दिल। I mean, जो वो दिल लेके आए हैं वो दिखाती हूँ मैं आपको। जस्ट अ मिनट। ये है वो प्यारा सा। ये दिखने में आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा, बट मैं आपको दूर से दिखाती हूँ। ये देखो जितना मेरा ये हाथ है ना, मतलब आप सोच सकते हैं कितना सा केक होगा यार, मेरी मुट्ठी जितना। यस, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी।